हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं इकोलॉजी। बहुत सिंपल यूनिट है और बहुत बेसिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक बहुत छोटा सा सवाल, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अगर ये पूछा जाए तो हमें जवाब देना है एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कंसिडर किया जा रहा है एज फादर ऑफ इकोलॉजी। इसके बाद में एक और आपसे सवाल छोटा सा पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? सो अगेन आपको आंसर करना है रामदेव मिश्रा। सो रामदेव मिश्रा जो हैं इंडियन इकोलॉजी के फादर कंसिडर किए जाते हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं एक बार इस टर्म इकोलॉजी के ऊपर। एक बहुत नॉन वेल नॉन पर्सनैलिटी रहे हैं हीकल। हीकल ने एक टर्म दिया था, He gave a term oikology. एक टर्म है oikology. अब इस टर्म को थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं हीकल बाय दिस टर्म। यहां देखिए, ये टर्म oikology खुद दो टर्म से मिलके बना है। एक है oiko, जो बना है oikos से, और दूसरा टर्म है लॉजी। हम सबको पता है ये होता है लोगोज। सो यहां है दो टर्म्स, ओइकोस एंड लोगोस। बेसिकली ओइकोस का मीनिंग होता है होम। इट सिंपली मीन्स होम। एंड लोगोस का मीनिंग होता है टू स्टडी। सो ओइकोलॉजी का मतलब होता है होम की स्टडी। To study the home is known as oikology. Ecology term oikology से बना। Oikology term was given by Hickel. And this oikology simply means now study of home. तो हमारे पास में एक definition आई है यहाँ पे, home की study करनी है। एक नया word मिला हमें यहाँ पे home। सो हम इस होम को और डिफाइन कर लेते हैं कि ये होम क्या होता है। आखिर आप होम किसे कहेंगे? तो जहां तक हम इस होम वर्ड के ऊपर बात करने वाले हैं, आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं मैं कि ह्यूमन एक वेल मैनेज्ड वे के अंदर अपना लाइफ सर्वाइव करता है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं या हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी मैनेज्ड है, इसलिए हम जो है वो मिट्टी के, पत्थर के, सीमेंट के घर बना लेते हैं, उनके अंदर रहते हैं। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम हमारे लिए एक सिंपल सी कंफर्टेबल सराउंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्लैट्स में रहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फार्म हाउसेस में रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ज़मीन पे बने हुए घरों में रहते हैं। आखिर हम होम किसे कहते हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए होम का मीनिंग क्या है, तो आप ये कहेंगे कि सर होम एक ऐसा छोटा सा प्लेस, छोटा सा स्पेस है जहां हमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, जहां हम आराम से रह सकते हैं, आराम से अपनी मर्जी से कुछ काम कर सकते हैं। That simply means कि एक comfortable space, उसको home कहते हैं। But ये तो हो गया human के बारे में, क्योंकि हम अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत चीज़ें change कर सकते हैं या थोड़ी बहुत चीज़ें control कर सकते हैं। आपने अपने घर को comfortable बनाने के लिए उसके अंदर कई technologies का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे आपने AC, cooler, TV, fridge वगैरह रखे हुए हैं, आपने काफ़ी हद तक उसे कंफर्टेबल बना लिया, तो वो आपका घर है।
बट हम नेचुरल, अगर होम की बात करें, नेचुरल डेफिनेशन की बात करें होम क्या है, तो हमें थोड़ा सा नेचर के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा. नेचर इतना ज़्यादा मैनेज्ड नहीं है. तो एक नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए होम के बारे में, तो हमें यहाँ पर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करना है. अब ऐसे आप करने को कोई भी ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट कर लीजिए, कोई बेटर नहीं करता, फ़र्क नहीं पड़ता. अल्टीमेट डेफिनेशन है वो वही निकल के आएगी. लेकिन सबसे इजी गोइंग में अगर मैं बात करूं, तो मैं हमेशा एक ट्री के बारे में बात करता हूं. ये एक ट्री है, बड़ा सा ट्री है, जो हमारे प्लेनेट पे किसी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है. कहीं पर भी कंसीडर कर लीजिए आप इसे. सो सबसे सिंपल ये रहेगा कि आप, आपके घर के पास में कोई एक ट्री है, तो आप उसे इमेजिन करिए. या आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि कोई जंगल है और उस जंगल के अंदर ये ट्री है, ताकि आप आराम से समझ सकें इसके बारे में. सी, हम इस ट्री को सेंट्रल पॉइंट मानते हुए बात करते हैं. एक ट्री के सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा समय निकालें और सोचें. जैसे इमेजिन करिए कि ये ट्री ग्रो कर रहा है. इस ट्री के सराउंडिंग में लाइट आती है. दिन में जब सनरेज होता है तो सनराइज होता है, लाइट आती है. अब ये लाइट कितनी देर तक आती है वो एक बार के लिए साइड में रखें. दिन में कितनी देर तक लाइट रहती है वो अलग बात है, बट लाइट आती है. और लाइट इस प्लांट को अफेक्ट करती है, पॉजिटिव वे में करती है या नेगेटिव वे में करती है वो हम बाद में बात करेंगे, बट लाइट प्लांट की लाइफ को अफेक्ट कर रही है. दूसरा, लाइट के बाद में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर. टेम्परेचर भी प्लांट की लाइफ को अफेक्ट करता है. इसके बाद में एक और मेजर फैक्टर है रेनफॉल, बारिश. ये ट्री जहाँ भी ग्रो कर रहा होगा पूरी दुनिया में, कभी ना कभी तो इसको बारिश का पानी मिलता होगा, कभी तो इसके एरिया में बारिश होती होगी, रेनफॉल होती होगी. ये जो ट्री है इसके एरिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये ग्रो कर रहा है वहाँ लाइट्स की कुछ कंडीशन है, टेम्परेचर की कुछ कंडीशन है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, रेनफॉल की कुछ कंडीशन है. देन इसके बाद ये जिस सॉइल के अंदर ग्रो कर रहा है उस सॉइल के भी कई सारे फीचर्स हैं, क्योंकि प्लांट्स हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं. तो यहाँ इस सॉइल के क्या कैरेक्टर्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, उनकी साइज क्या है, सॉइल की पीएच क्या है, सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, ऐसे करके बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पर मैटर करने वाली हैं. देन हम नेक्स्ट बात करते हैं, रेनफॉल हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया. ये प्लांट जिस एरिया में ग्रो कर रहा है उस एरिया की स्ट्रक्चर कैसी है, उसे कहते हैं टोपोग्राफी. टोपोग्राफी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ एरिया, यानी कि क्या वो समतल मैदान है, प्लेन एरिया है, क्या वो पहाड़ी वाला एरिया है, क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लोप है. मतलब जिस भी एरिया में ये प्लांट ग्रो कर रहा है उस एरिया का कोई ना कोई स्ट्रक्चर ज़रूर है, वो भी प्लांट की लाइफ को अफेक्ट करता है. यहाँ मैंने जितने भी फैक्टर्स लिखे हैं, रेनफॉल, लाइट, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, सॉइल, ये सारे के सारे फैक्टर्स को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ, तो मैं ये कहूँगा कि प्लांट के सराउंडिंग में एबायोटिक फैक्टर्स हैं. प्लांट के सराउंडिंग में बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट है. वापस आएंगे इनके ऊपर, अब थोड़ा सा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखते हैं. ये एक प्लांट है जो खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है.
अब इस प्लांट की लाइफ को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या अफेक्ट करते हैं? तो आंसर आएगा जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके जो फूड एनर्जी बनाते हैं, वही एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म्स में ट्रांसफर होती रहती है वाया ईच अदर। तो अब हम एक बार के लिए सोचते हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एरिया के अंदर एक अकेला ट्री है और दूसरा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ट्री खुद भी दूसरे कई लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए मल्टीपल वे में यूजफुल है। कोई ट्री के ऊपर रहता है तो उसके लिए एज शेल्टर ये ट्री इम्पोर्टेंट है। कोई इस ट्री के ऊपर आके रिप्रोडक्शन करता है तो रिप्रोडक्शन पर्पज के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई इस ट्री के लीव्स खा लेता है, कोई इस ट्री के फ्रूट्स खा लेता है, कोई सीड खा लेता है, तो फूड पर्पज के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एक बार के लिए मैं बेसिक बेसिक बातें बताता हूँ। देखो, हो सकता है इस ट्री के ऊपर कोई बर्ड स्पीसीज रहती हो, तो इस ट्री के ऊपर बर्ड्स रहते हैं। हो सकता है इस ट्री के ऊपर मंकीज रहते हो, तो मंकी रहते हैं इस ट्री के ऊपर। हो सकता है इस ट्री के ऊपर कोई रेप्टाइल भी रहता हो, कोई स्नैक वगैरह हो सकता है। इस ट्री के बार्क में बहुत सारे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, इनफेक्ट होते ही हैं। अब इस ट्री के नीचे पता चला कि रैबिट्स भी रहते हैं, पता चला कि इसी एरिया के अंदर डियर भी रहते हैं, और ध्यान से देखा तो पता चला अच्छा यहां तो एलिफेंट भी है। अब अगर हम इसके रूट्स की बात करें तो हो सकता है यहां पर माइक्रोब्स के साथ भी ये एसोसिएशन कर रही है, जैसे हो सकता है बैक्टीरिया है, हो सकता है फंगी है, माइकोराइजा एसोसिएशन हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर रैट्स रहते हो, माउस रहते हो सकता है इस ट्री के ऊपर बैट्स भी रहती हो। अब ये जो ऑर्गेनिज्म्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, ये मल्टीपल पर्पजेस के लिए यहाँ पर रह रहे हैं, इसके साथ रह रहे हैं। जरूरी नहीं है इसके ऊपर बैठ के रहे, इसके पास में भी रह सकते हैं। इस डियर को, एलिफेंट को, रैबिट्स को खाने के लिए कई टाइप के और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, जैसे फॉक्स हो सकती है, जैसे टाइगर इस एरिया के अंदर हो सकते हैं, जैसे लाइन इस एरिया के अंदर हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे ये इंसेक्ट्स को, रेप्टाइल को, बर्ड्स को खाने के लिए हो सकता है यहाँ पे हॉक अवेलेबल हो। अब आप ये देखें कि एक ट्री अपनी लाइफ में कितनी सारे बायोटिक फॉर्म्स से सराउंडेड है। अगर मैं इन सबको एक वर्ड में डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये सारे के सारे हैं डिफरेंट बायोटिक फॉर्म्स, ये हैं डिफरेंट बायोटिक फॉर्म्स। एक ट्री के सराउंडिंग में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और भी हो सकते हैं, देखिए हमने लिए नहीं है। अब हम समझते हैं होम का मीनिंग क्या है, क्योंकि बेसिकली हम होम के लिए ये सारा कुछ चीजें पढ़ रहे हैं। हमने ये कहा कि होम एक छोटा सा वो स्पेस या वो एरिया है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, और हमने उसको कंफर्टेबल बना रखा है इसलिए वो कंफर्टेबल है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेचर के अंदर ग्रो कर रहा है, अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो होम का डेफिनेशन क्या होगा? अगर मैं इस ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि ये ट्री डिफरेंट टाइप के एबायोटिक फैक्टर्स के प्रेजेंस में रहता है। इन एबायोटिक फैक्टर्स की डिफरेंट रेंजेस है, जैसे रेनफॉल है वो अलग अलग 100 सेंटीमीटर पर एनम, 200 सेंटीमीटर पर एनम, कुछ भी हो सकती है।
लाइट कंडीशंस कुछ होंगी, टेम्परेचर कंडीशंस कुछ होंगी, इस एरिया की कोई टोपोग्राफी होगी, स्ट्रक्चर होगी, इस एरिया की सॉइल के कई प्रॉपर्टीज होंगी। दूसरी तरफ इस ट्री के साथ मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स एसोसिएशन में है, हालांकि लायन, टाइगर, फॉक्स ये ट्री नहीं खाते, बट आपने कभी डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा कि टाइगर जो है वो ट्री के ऊपर बैठ के आराम कर रहा है। ये कई पर्पजेस से इसको यूज कर सकते हैं। टाइगर, लायन, फॉक्स ये उन ऑर्गेनिज्म को तो खा ही रहे हैं जो इस ट्री को खा रहे हैं। एनी हाउ ये जो ट्री है उसके सराउंडिंग में इतने सारे बायोटिक फॉर्म्स भी है और सारे एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं। अब समझिए एक सिंपल सी चीज, अगर इस ट्री के सराउंडिंग का कोई भी फैक्टर इस ट्री को नेगेटिव वे में अफेक्ट करेगा तो ये ट्री अपनी नॉर्मल लाइफ सरवाइव नहीं कर सकता। तो होगा क्या, इस ट्री के सराउंडिंग के फैक्टर्स इसे एनी हाउ थोड़ा पॉजिटिव वे में सपोर्ट करते हैं, इसीलिए तो ये ट्री इतना बड़ा बन पाया। इस ट्री ने भी अपनी लाइफ की शुरुआत करी होगी एक छोटी सी सीडलिंग स्टेज से, ऐसे छोटा सा सीडलिंग था और ये आज 20 साल, 25 साल या 50 साल के बाद इतना बड़ा ट्री बन गया। इसका मतलब इस ट्री ने अपने लाइफ के 50 ईयर्स तक ऐसी ही सराउंडिंग के साथ रोज इंटरेक्शन करी है, दिन रात इंटरेक्शन चलती रहती है और वो इंटरेक्शन से अल्टीमेटली ये ट्री इतना बड़ा बन गया। इट मीन्स कि ट्री के सराउंडिंग फैक्टर्स इसकी लाइफ को पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे होंगे तो ये इतना बड़ा बन जाता है ट्री। अब हम होम के ऊपर आते हैं। फाइनली आप होम को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग के वो सभी फैक्टर्स जो उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उनकी उन्हीं सराउंडिंग फैक्टर्स को हम होम कह सकते हैं। अब इस होम के अंदर आप देखो एबायोटिक फैक्टर्स भी आती हैं, बायोटिक फॉर्म्स भी आती हैं, इनको हम अलग से फिर डिफाइन करेंगे। तो होम का मतलब सिर्फ एक फ्लैट, एक घर या एक सीमेंट का बना हुआ बिल्डिंग वो नहीं होता। होम का मतलब होता है हमारे सराउंडिंग के सारे फैक्टर्स जो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं वो हमारा होम है। अगर ये पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे तो हम नॉर्मल सर्वाइव करेंगे, अगर ये नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे तो हमारी ग्रोथ रुकेगी, हमारी डेथ भी हो सकती है और बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं। सो होम सिंपली मीन्स ए कंफर्टेबल सराउंडिंग विच कंटेन्स एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फॉर्म्स। आगे बात करेंगे डिटेल में। वैसे देखो होम की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं हो सकती है, आप होम की कोई भी फिक्स डेफिनेशन नहीं दे सकते, तो हमें बस ये वर्ड समझना होता है। ये वर्ड जो है वो एक समझने वाला वर्ड है, ना कि डिफाइन करने वाला वर्ड। ये मैंने ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी। अगर मैं यहाँ डियर को लूँ तो मैं कहूँगा डियर के सराउंडिंग में ट्री है, डियर के सराउंडिंग में रेप्टाइल है, डियर के सराउंडिंग में इंसेक्ट है, वो भी इसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। डियर के सराउंडिंग में टेम्परेचर, रेनफॉल, सारी चीजें हैं, तो अल्टीमेटली आने वाला तो ये सब कुछ है। नाउ यहां से हमें एक चीज और समझ में आती है। इस डायग्राम से हमको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस डायग्राम में हमने जिस ट्री से स्टार्ट किया था उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि प्लेनेट पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि प्लेनेट पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी कंप्लीट लाइफ में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है। अगर वो खुद नहीं करता तो दूसरे आ जाते हैं। देखो ट्री तो कहीं नहीं जा रहा, ये तो एक जगह फिक्स है, लेकिन दूसरे आए ना इंटरेक्शन करने के लिए। अब जैसे मंकी आए, बर्ड आए, तो उनके पीछे हॉक आ गए। इस प्रकार कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड वे में अपनी लाइफ नहीं जी सकता, उसे दूसरों के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती है। उसको फाइनली अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए दूसरों की प्रेजेंस में रहना पड़ता है।
और वो सारे के सारे एक दूसरे को अफेक्ट करते रहते हैं, इसे हम कहते हैं इकोलॉजी, यानी कि बहुत सारे इंट्रैक्शंस की स्टडी। आगे और अच्छे से डिफाइन करेंगे। अब आप अपने नोट्स बनाने के लिए कुछ लिख लीजिए थ्योरी के अंदर, ये डायग्राम जरूर बनाएं, ये डायग्राम आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझने में हेल्प करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब मैं जो लिखा रहा हूँ वो आप सारा का सारा लिख लीजिए। चलिए लिखिए, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट इज लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑल्सो सराउंडेड बाय मैनी एबायोटिक फैक्टर्स। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए और ये एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। दूसरा पॉइंट लिखिए, ऑल द एबायोटिक फैक्टर्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच सराउंड एन इंडिविजुअल हैव एन इफेक्ट ऑन इट्स लाइफ एनी हाउ। मैंने कहा कि सारे के सारे फैक्टर्स जो किसी इंडिविजुअल को सराउंड करते हैं वो उसकी लाइफ पर एनी हाउ अफेक्ट डालते हैं, उनका अफेक्ट होता है। सो ऑल द एबायोटिक फैक्टर्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच सराउंड एन इंडिविजुअल हैव एन इफेक्ट ऑन इट्स लाइफ एनी हाउ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दैट मीन्स एन इंडिविजुअल मस्ट इंटरेक्ट विथ इट्स सराउंडिंग फॉर ए नॉर्मल लाइफ। अगर इसे अपनी लाइफ को नॉर्मल वे में जीना है तो इसको भी अपनी सराउंडिंग से इंट्रैक्शन करने पड़ेंगे। आगे लिखिए, ऑल दोज इंट्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग आर नोन एज इकोलॉजी। इकोलॉजी की भी कोई डेफिनेशन नहीं है। सो सारे के सारे इंट्रैक्शंस जो एक ऑर्गेनिज्म के हो रहे हैं उसकी सराउंडिंग के साथ, उन्हें हम कहते हैं इकोलॉजी। आगे लिखिए, नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन आइसोलेटेड फॉर्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फॉर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑल द एनवायरमेंट एंड ऑल द इंट्रैक्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑल द एनवायरमेंट एंड ऑल द इंट्रैक्शंस। चलो ये तो हो गया। अब हमारे पास में एक छोटा सा डेफिनेशन, अब बात करेंगे कुछ और चीजों की। हमने अभी बहुत अच्छे से फोकस किया है एक वर्ड के ऊपर, हम फोकस कर रहे हैं सराउंडिंग पे। हमने कहा एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में ये होता है वो होता है सब कुछ चीजें। इट मीन्स कि हम अगर सराउंडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो सराउंडिंग के लिए एक बहुत अच्छा टर्म होता है, इसे कहते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, अब ये एनवायरमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। बहुत सिंपल है एनवायरमेंट को डिफाइन करना। एनवायरमेंट का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके सराउंडिंग में जो कुछ अभी प्रेजेंट है वो आपके लिए अभी का एनवायरमेंट है। यानी कि अगर आप मोबाइल पकड़ के देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं, आप चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, रूम के अंदर पंखा लगा हुआ है, लाइट्स लगी हुई है, पानी पड़ा हुआ है पास में, ये सारी चीज़ें आपका सराउंडिंग है और ये अभी के लिए आपका एनवायरनमेंट है। अगर आप बाहर खुले में चले जाएंगे तो आपके सराउंडिंग के अंदर, आपके सराउंडिंग में ट्रीज होंगे, एनिमल्स होंगे, बहुत सारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, वो आपकी सराउंडिंग बन जाएंगे, वो आपका एनवायरनमेंट बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम एनवायरनमेंट को बहुत सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि एनी थिंग विच इज प्रेजेंट एनी थिंग
विच इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स एनवायरमेंट. जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में अवेलेबल है वो उसका एनवायरमेंट होता है. अब हम ये समझे कि सराउंडिंग में क्या है. तो भाई सराउंडिंग के अंदर एक तो बायोटिक फैक्टर्स हैं और दूसरा एबायोटिक फैक्टर्स हैं. इसका मतलब कि सराउंडिंग के अंदर आपको मिलेंगे दो चीजें, एबायोटिक फैक्टर्स एंड साथ ही साथ बायोटिक फॉर्म्स. बायोटिक फॉर्म्स कौन कौन सी होंगी, कैसे होंगी वो बात करेंगे, और एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होंगे वो बात करेंगे. एक सिंपल सी लाइन लिखिए, आप लिखिए द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. पहले बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, इसके बाद में बात करेंगे बायोटिक फॉर्म्स के बारे में. पहले एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें. आपको मैंने अभी भी बताया कि एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब हो गया टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट, टोपोग्राफी, सॉइल एट्सेट्रा. हम एबायोटिक फैक्टर को तीन टाइप्स में फिर डिवाइड कर सकते हैं. तीन टाइप्स में हम फिर डिवाइड करेंगे. पहले टाइप में आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स. क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं देखिए. सबसे मेजर क्लाइमेटिक फैक्टर होता है रेनफॉल. सबसे इंपॉर्टेंट है रेनफॉल. इसके बाद दूसरा होता है टेम्परेचर. टेम्परेचर दूसरा इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है. इसके बाद में एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइट. लाइट के बाद में दो छोटे छोटे और फैक्टर्स हैं, एक है विंड, एक है फायर. हवा चलती है और आग भी लग सकती है किसी भी रीजन से, चाहे वो ह्यूमन की वजह से हो या फिर कोई नेचुरल रीजन की वजह से हो, बट ये सारे के सारे आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर. अब दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा फैक्टर यहां पर ये आ गया आपका टोपोग्राफिक फैक्टर. टोपोग्राफी या टोपोग्राफी फैक्टर. टोपोग्राफी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द एरिया. स्ट्रक्चर ऑफ द एरिया, एक एरिया की स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम कहते हैं टोपोग्राफी. इसे मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, तो एक बार इतना लिखने के बाद छोड़ दीजिए इसे. तीसरा, एक ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है उस एरिया की सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आपको ये लग रहा हो कि आपको सॉइल से क्या लेना देना, तो ये बिल्कुल गलत है. आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां पर प्लांट्स भी होंगे और आप उन प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो. आपकी लाइफ में सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. जो फूड आप खा रहे हो वो प्लांट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके बना रहे हैं. कई सारी चीज़ें हैं जो सॉइल के साथ रिसाइकिल होती रहती है तो वो हम तक पहुंच जाती है. तो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप अवॉइड नहीं कर सकते. ऐसा मत सोचना कि सॉइल सिर्फ प्लांट के लिए ही इंपॉर्टेंट है. सॉइल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. सो तीसरा एक फैक्टर होगा एडेफिक फैक्टर. एडेफिक फैक्टर का मतलब हो गया सॉइल के फैक्टर्स, सॉइल के करैक्टर्स, करैक्टर्स ऑफ सॉइल. ये बातें सारी की सारी आती हैं एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर.
अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूं बायोटिक फॉर्म्स के साथ में। देखिए, हमारे प्लेनेट के ऊपर जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी टाइप के बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक, जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक फूड स्टाइल है। फूड स्टाइल से मेरा मतलब है हाउ टू टेक फूड। एक फूड स्टाइल सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है। इकोलॉजी के अंदर इस फूड स्टाइल के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टाइल द बायोटिक फॉर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज। ध्यान से देखिए, नंबर 1, ऐसे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाना जानते हैं, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं प्लांट्स की, ऐसे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक कैटेगरी है, इन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, या आप इन्हें चाहे तो प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हो, ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, सो प्रोड्यूसर्स। कैटेगरी नंबर 2, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सीधे सीधे इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, जो सीधे सीधे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को खा रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स। ये हो गए हर्बीवोर्स, जो सीधे सीधे प्लांट्स खाते हैं। कैटेगरी नंबर 3, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोर्स को खा सकते हैं, वो प्लांट्स को नहीं खा सकते लेकिन वो हर्बीवोर्स को खा सकते हैं। लेकिन हर्बीवोर ने भी तो प्लांट ही खाया था, तो एनर्जी तो इनके पास प्लांट की भी आ रही है। वेल, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सीधे सीधे सिर्फ हर्बीवोर्स को खा सकते हैं, दे आर नोन एज कार्निवोर्स। इनको कहते हैं कार्निवोर्स। इसके बाद में एक और कैटेगरी ऐसी आती है जो ऑलमोस्ट किसी भी टाइप की कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स को खा सकती है, यानी कि वो चाहे तो प्लांट्स खा सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कोई भी प्लांट खा सकते हैं, लेकिन प्लांट ग्रुप से वो कंज्यूम कर सकते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि हर्बीवोर्स वाली कैटेगरी से भी किसी ना किसी को खा ही सकते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कार्निवोर वाली कैटेगरी से भी किसी ना किसी को खा सकते हैं, और इन महान ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं ओमनिवोर्स, जिसमें ह्यूमन भी आते हैं। देन ये लास्ट कैटेगरी ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बनती है जिन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है इन सब की बॉडी को डिकम्पोज करने की, यानी कि जो कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में ऑर्गेनिक मैटर बनाया उसको वापस इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने की, इन्हें कहते हैं डीकम्पोजर्स। और हम सबको डीकम्पोजर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। रीज़न ये है कि डीकम्पोजर्स जब अपनी एक्टिविटी करेंगे तो वो अपनी एक्टिविटी से ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेंगे, और इनऑर्गेनिक मैटर सॉइल में रिलीज होगा, सॉइल से प्लांट्स वापस उस इनऑर्गेनिक मैटर को रिलीज एब्जॉर्ब करेंगे और उसे ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेंगे, तो एनी हाउ वापस हम तक पहुंच जाएगा। सो ये डीकम्पोजर्स के रोल की वजह से होता है। अब आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जितने भी सराउंडिंग के फैक्टर्स हैं, उन सारे सराउंडिंग के फैक्टर्स को हमने डिवाइड किया एक बार के लिए एबायोटिक एंड बायोटिक फॉर्म्स में। एबायोटिक फैक्टर्स को 3 कैटेगरी में, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक, इडेफिक। क्लाइमेटिक में आएंगे रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, विंड, फायर। टोपोग्राफी में स्ट्रक्चर ऑफ एरिया आ जाएगी, इडेफिक में सॉइल आ जाएंगी, और बायोटिक फॉर्म्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड स्टाइल दे आर डिवाइडेड इंटू 5 कैटेगरीज, नेमली ऑटोट्रॉप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड डीकम्पोजर्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन।
तो हेडिंग डालिए आप क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और आप सबसे एक छोटा सा सवाल, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है? क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है? और साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि थोड़ा सा जो है वो आप चैनल को शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके, ताकि मुझे भी ऐसे लगे कि मैं आता रहूं बार बार। ठीक है, सो हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स। मैंने आपको बता दिया कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो फैक्टर्स पांच टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लाइट को लेकर बात करेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे, बट क्लाइमेटिक फैक्टर्स से पहले क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है मैं बेसिक सा बता देता हूं आपको। एक टर्म है क्लाइमेट और एक टर्म है एनवायरनमेंट। देखो, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में बेसिक डिफरेंस ये है कि क्लाइमेट किसी भी एरिया के एबायोटिक फैक्टर्स की एक लंबी ड्यूरेशन के लिए यूज होने वाला टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एरिया के अंदर लाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, सॉइल बहुत सालों से कैसी है उसको बताने के लिए क्लाइमेट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और एनवायरनमेंट का सिंपली मतलब होता है कि छोटे टर्म के लिए, छोटे ड्यूरेशन के लिए क्या एबायोटिक फैक्टर्स की कंडीशन है, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जाए या आपको ये बताया जाए कि क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, तो बिना सोचे समझे आपके दिमाग में आएगा बहुत गर्मी पड़ रही है, पीने के लिए पानी नहीं है वहाँ, तो खाने के लिए फूड नहीं है, राजस्थान तो हॉट एंड ड्राई है। कभी आके देखो राजस्थान, तब पता चलेगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि सबके दिमाग में राजस्थान के क्लाइमेट को लेकर के एक बहुत लंबे टाइम तक जो कंडीशंस रहती है उसका एक सिंपल सा इमेज है कि राजस्थान का एनवायरनमेंट हॉट एंड ड्राई है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, हॉट एंड ड्राई सीजन में काफ़ी हद तक एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली ड्राई रहता है, बट यहाँ भी बारिश होती है। हमको भी बहुत परेशानी होती है बारिश के अंदर, जब होती है तो लगता है इतनी क्यों हो रही है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे हॉट एंड ड्राई वाला, आप आओ सही है। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट आप इस्तेमाल करते हो छोटे ड्यूरेशन के लिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, भाई मुझसे पूछ लिया जाए कि आज सर राजस्थान का एनवायरनमेंट कैसा है, या आपकी जिस सिटी में आप रह रहे हो उस सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है, तो मैं कहूँगा आज का एनवायरनमेंट कूल है, या आज का एनवायरनमेंट हॉट है, आज रेनी है। जो भी एनवायरनमेंट होगा यानी कि एबायोटिक कंडीशन होगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये दो टर्म्स हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले लाइट के बारे में। क्लाइमेटिक फैक्टर मैंने बता ही दिया कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लाइट पढ़ेंगे। लाइट, सीधा सीधा पहला सवाल लाइट से आप सब लोगों के लिए, और आप मुझे पता है आंसर तो दोगे, व्हाट इज लाइट? आपसे पूछा जाए लाइट क्या है, तो लाइट का मतलब है फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, लाइट एक टाइप की एनर्जी है। अब इसके बारे में डिटेल में बात फोटोसिंथेसिस वाली यूनिट में यानी कि प्लांट फिजियो वाली यूनिट में की जाएगी, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन से टाइप की एनर्जी है? रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी है ये, क्योंकि ये गिरती है जिस तरीके से रेडिएशंस गिरती है वैसे, तो ये रेडिएशन एनर्जी है। आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए लाइट के बारे में कि लाइट जब भी किसी चीज से टकराती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, थोड़ी एनर्जी उस चीज में ट्रांसफर हो जाती है जिससे वो टकरा रही है। इसलिए एक तो सन से जो लाइट निकलेगी उसकी एनर्जी, और एक जो ग्राउंड सरफेस पर पहुंचेगी, कोई प्लांट ग्रो कर रहा है उसके पास में,
या कोई एनिमल यहाँ पर है उसके पास में, लाइट सन से निकलकर जब अर्थ की सरफेस तक आती है तो कई सारे गैसेस के लेयर्स को क्रॉस करके आएगी। इसके साथ ही साथ ट्रोपोस्फियर के अंदर आपको पता है क्लाउड्स हो सकते हैं, बहुत सारे क्लाउड्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो जो लाइट यहाँ से निकल कर के और क्रॉस करते करते प्लांट्स पर आएगी या एनिमल्स पे आएगी, तो उसकी एनर्जी में काफ़ी हद तक डिफरेंस रहेगा। इसलिए लाइट की एनर्जी चेंज होने से थोड़ा प्रॉपर्टी में चेंज आता है। ये बातें बाद की हैं, अब हम लाइट के बारे में, उसके इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट के इफेक्ट हम पढ़ेंगे ऑन प्लांट्स, एनिमल्स पे भी पढ़ेंगे, प्लांट्स पे भी पढ़ेंगे। तो आप एक फिर से छोटी हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर, आपको ये पता होगा कि प्लांट्स को लाइट बहुत जरूरी है, उनको लाइट चाहिए होती है। ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो प्लांट की लाइफ में लाइट की वजह से होती है। हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइट प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं लाइट लविंग प्लांट्स और दूसरे होते हैं शेड लविंग प्लांट्स, यानी कि जिनको लाइट कम चाहिए, जो कम लाइट में ग्रो करना पसंद करते हैं उन्हें शेड लविंग प्लांट्स कहते हैं, और जिनको ज़्यादा लाइट में ग्रो करना अच्छा लगता है उनको लाइट लविंग प्लांट्स कहते हैं। जो लाइट लविंग प्लांट्स होते हैं उनके लिए एक टर्म है हेलियोफाइट या हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो लाइट में ग्रो करना पसंद करते हैं या ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट है। शेड लविंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कम लाइट में ग्रो करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इन्हें कहते हैं सीओफाइट्स। सो दो टर्म आ गए हमारे पास में, एक हेलियोफाइट एक सीओफाइट। अब आप ये देखें कि लाइट के क्या क्या इफेक्ट है प्लांट्स के ऊपर। सो लिखिए, लाइट हैज़ फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, लाइट हैज़ फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। बात करते हैं, सबसे पहले जब एक प्लांट की लाइफ की शुरुआत होती है, ये प्लांट की लाइफ की शुरुआत है सीडलिंग स्टेज के अंदर, प्लांट अभी सीड है वो जर्मिनेट हुआ है, ये सीडलिंग स्टेज के अंदर इसकी लाइफ की शुरुआत हुई है। तो क्या क्या बातें रहेंगी इंपॉर्टेंट इसके बारे में, लाइट अगर इस सीडलिंग को नहीं मिली तो ये सीडलिंग ग्रीन कलर की नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस में हेल्पफुल है, तो ये कराएगी क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। लाइट जो है वो क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस कराती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, क्लोरोफिल बन गया। अगर क्लोरोफिल बन गया तो फिर लाइट की वजह से एक प्रोसेस चलती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस है वो भी चलती है। ये प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक्स के नाम भी रहेंगे। फिर लाइट जो है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम आती है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। एक एंजाइम है जिसका नाम है नाइट्रेट रिडक्टेज, वो एंजाइम लाइट की वजह से कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में लाइट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में लाइट जो होती है
वो फोटोमोर्फोजेनेसिस कराती है। फोटोमोर्फोजेनेसिस, इसके लिए भी लाइट रेस्पॉन्सिबल है। इसके बाद में लाइट की वजह से हॉर्मोन्स बनते हैं। हॉर्मोन सिंथेसिस में भी लाइट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देन इसके बाद में अगर हम बात करें लाइट के बारे में, तो लाइट कंट्रोल करती है ट्रांसपीरेशन को। लाइट ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल करती है। इसके अलावा लाइट है वो फोटोपीरियोडिज्म, फ्लावरिंग डेवलपमेंट को फोटोपीरियोडिज्म भी कंट्रोल करती है। और इसके बेसिस पे तीन टाइप के प्लांट्स होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, एक होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। ये लाइट के मेजर इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा अभी और भी है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, हॉर्मोन प्रोडक्शन, सीड जर्मिनेशन एटसेट्रा। कुछ प्लांट्स के सीड्स तब जर्मिनेट होंगे जब उनको प्रॉपर लाइट मिलेगी। रेस्पिरेशन भी कुछ हद तक एनीवे कंट्रोल होती ही है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होती। ये तो मैंने मेजर मेजर चीज़ें लिखी हैं जिनमें लाइट का सीधा सीधा रोल होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो फोटोमोर्फोजेनेसिस का पार्ट है उसमें भी लाइट इम्पोर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट बनाने में भी लाइट इम्पोर्टेंट होती है। सो प्लांट्स के लाइफ में लाइट ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती हैं। आप एक बार इसकी भी फोटो ले लीजिए। चलो मैं अब आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ विथ रिगार्ड्स ऑफ लाइट और द रोल ऑफ लाइट ऑन लाइफ ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बड़ा सा ट्री है, बहुत बड़ा सा घना ट्री है, इस तरीके से बहुत बड़ा सा है, अच्छा नहीं बना ये तो, फिर बनाएंगे। एक बहुत बड़ा सा ट्री है और इस ट्री के नीचे एक छोटा सा प्लांट है, वो ग्रो कर रहा है। और दिक्कत ये आ रही है कि इस प्लांट को प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है। बात को समझिएगा, ये ट्री के नीचे ग्रो कर रहा है तो इसको लाइट नहीं मिल रही है। और अगर इस प्लांट को लाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी तो ये अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा बेचारा। इसको भी तो हक है अपनी ग्रोथ करने का। तो ये प्लांट क्या करता है, छोटा वाला प्लांट क्या करता है, कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के रेस्पॉन्सेज देता है, कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के जो है वो चेंजेस लाता है खुद के अंदर। इन चेंजेस को कहते हैं शेड अवॉइडेंस रेस्पॉन्सेज, SAR, शेड अवॉइडेंस रेस्पॉन्सेज। यानी कि शेड को अवॉइड करना है, क्योंकि जिस एरिया में या जिस जगह पर ये ग्रो कर रहा है वहां लाइट नहीं मिल रही इसको। ऐसा भी हो सकता है एक बड़ी सी दीवार है और दीवार के पास में एक प्लांट ग्रो कर रहा है और वहां पर उसे प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रही है, तो उसे शेड को अवॉइड करने के लिए कुछ रेस्पॉन्सेज देने पड़ेंगे। उनमें से कौन कौन से रेस्पॉन्सेज हैं जिनको मिला के कहते हैं शेड अवॉइडेंस रेस्पॉन्स। अगर आप सोच सकते हो तो एक मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो और थोड़ा सोचो कि आखिर ये प्लांट ऐसा क्या करेगा कि इसे लाइट मिलने लगेगी। बहुत ज़्यादा डिटेल वे में नहीं जाना, लेकिन आप सोच के देखिए, शायद समझ में आएगा। नंबर वन, अगर ये प्लांट थोड़ा लंबा हो जाए तो क्या पता शायद उस हाइट तक पहुंच जाए जहां पर लाइट आती हो। जैसे लाइट यहां तक गिर जाती है, ऐसे लाइट ऐसे गिर जाती है, इस हाइट तक लाइट गिरती है। थोड़ा लंबा हो जाएगा तो शायद इसको लाइट मिलने लगेगी। तो एक तरीका है लाइट को लेने का, इलोंगेशन। दूसरा,
अगर ये प्लांट अपनी फ्लावरिंग का टाइम चेंज कर ले तो मे बी हो सकता है कि जब लाइट आए तब उसने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दे। तो एक और तरीका ये हो सकता है, अल्टर्ड फ्लावरिंग टाइम, अल्टर्ड फ्लावरिंग टाइम, एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा एक और तरीका क्या पॉसिबल है देखो यहां से, अगर ये प्लांट जो नीचे ग्रो कर रहा है इसमें एपिकल डोमिनेंस ज्यादा हो जाए, यानी कि इंक्रीज्ड एपिकल डोमिनेंस, इंक्रीज्ड एपिकल डोमिनेंस, तो ये जल्दी ग्रोथ करेगा। और इसके अलावा लास्ट एक काम और कर सकता है, इसके पास में जो रिसोर्सेज है उनको रूट्स में स्टोर कर ले या पर्टिकुलर एक ऑर्गन के अंदर स्टोर कर ले, ताकि जब लाइट उसे ना मिले तब तक वो थोड़ा डोरमेंट रहे और जब लाइट आए तो उसे यूज करके वापस अपनी नॉर्मल ग्रोथ करे। इसे कहते हैं अल्टर्ड पार्टनिशिंग ऑफ रिसोर्सेज, अल्टर्ड पार्टनिशिंग ऑफ रिसोर्सेज। ध्यान से सुनो वापस से, जैसे ये प्लांट अभी इसको लाइट नहीं मिल रही है, ठीक है, इसको लाइट नहीं मिल रही है, इसको बहुत बुरा लग रहा है। अब इसने क्या किया, अपना सारा फूड मटेरियल जो है वो अपनी रूट में स्टोर कर लिया। जब ये अपनी रूट में सारा फूड मटेरियल स्टोर कर लेगा तो इससे क्या होगा, इस प्लांट के रूट्स के पास में फूड रहेगा और ऊपर का जो पार्ट है इसका वो हो सकता है मर जाए, सूख जाए। कभी ना कभी ऐसा सीजन जरूर आएगा जब इस बड़े ट्री के सारे लीव्स नीचे गिर जाएंगे, पतझड़, ऑटम सीजन आएगा। जब ऑटम सीजन आएगा तो इस प्लांट के ऊपर ज़्यादा लीव्स नहीं है, इसे लाइट अवेलेबल होगी। लाइट अवेलेबल होगी तो ये अपनी रूट्स के अंदर जो फूड था उसे यूज करके वापस से अपनी नॉर्मल ग्रोथ करेगा। ऐसे काम इसे करने पड़ेंगे क्योंकि ये नॉन मोटाइल है, प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए ये जगह तो अपनी चेंज नहीं कर सकता। तो इसे क्या कर सकता है, ये खुद लंबा हो जाए, एपिकल डोमिनेंस ज़्यादा हो जाए इसकी, अल्टर्ड फ्लावरिंग टाइम, अपने फ्लावर्स अलग टाइम पे बनाना चालू कर दे, या अपना फूड मटेरियल है उसको अलग जगह स्टोर कर ले अपनी बॉडी के अंदर। इन चारों को मिला के कहते हैं शेड अवॉइडेंस रेस्पॉन्स। ध्यान रखना, इन्हें कहते हैं शेड अवॉइडेंस रेस्पॉन्स। अब शेड अवॉइडेंस रेस्पॉन्स के लिए कौन जिम्मेदार है? जिब्रेलिक एसिड हॉर्मोन का नाम सुना है, जिब्रेलिक एसिड एंड ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स। ध्यान रखना, ब्रेसिनो स्टेरॉइड, जिब्रेलिक एसिड और ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स एक्टिवेट करते हैं प्लांट्स के अंदर फाइटोक्रोम इंट्रैक्टिंग फैक्टर्स को। फाइटोक्रोम इंट्रैक्टिंग फैक्टर्स है, उनको एक्टिवेट करते हैं फाइटोक्रोम इंट्रैक्टिंग फैक्टर्स को। फाइटोक्रोम इंट्रैक्टिंग फैक्टर ऑक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस को बढ़ाएगा, ऑक्सिन से एपिकल डोमिनेंस आती है, एपिकल डोमिनेंस आएगी तो इलोंगेशन होगा, और इलोंगेशन होगा तो क्या पता शायद जो है ये शेड को अवॉइड कर दे। तो शेड अवॉइडेंस रेस्पॉन्स के अंदर प्लांट ये सारे के सारे काम कर सकता है। अब मैं आपको कुछ लिखा देता हूं, आप लिखिए। सबसे पहले लिखिए, शेड अवॉइडेंस इज ए सेट ऑफ रेस्पॉन्सेज, सेट ऑफ रेस्पॉन्सेज दैट प्लांट्स डिस्प्ले व्हेन दे ग्रो अंडर द शेड ऑफ अनदर प्लांट। जब दूसरे प्लांट्स के शेड के अंडर ग्रो करते हैं तब वो जो रेस्पॉन्सेज शो करते हैं उन्हें कहते हैं शेड अवॉइडेंस रेस्पॉन्सेज। आगे लिखिए,
द सेट ऑफ दीज रेस्पॉन्सेज आर कलेक्टिवली नोन एज शेड अवॉइडेंस सिंड्रोम. यानी शेड अवॉइडेंस रेस्पॉन्सेज क्या है, ये सारे के सारे इन्हीं को क्या कहते हैं, शेड अवॉइडेंस सिंड्रोम, SAS. इनको कहते हैं SAS. आगे लिखिए, फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर्स एक्टिविटी इंक्रीज अंडर शेड लाइट कंडीशन. देखो ये जो फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर्स है, जब शेड होगा, लाइट कम अवेलेबल होगी, तो इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी. दे एनहांस द ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन बाय द एक्टिवेशन ऑफ ऑक्सिन बायोसिंथेसिस. ये ऑक्सिन बायोसिंथेसिस बढ़ा देते हैं. इसके अलावा आगे लिखें, जिब्रेलिक एसिड एंड ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रीब्यूट ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन PIF अबंडेंस. इनका इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है. PIF ऑक्सिन बनाएगा, ऑक्सिन बनवाएगा, ऑक्सिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस शो करेंगे. एपिकल डोमिनेंस की वजह से क्या होगा, यहां पर इलोंगेशन होगा. तो एक टाइप से ये सिंपली हमारा काम हो रहा है. अब अगर इस प्लांट को, छोटे प्लांट को लाइट मिलना शुरू हो जाए, तो अब क्या जरूरत है, PIF की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शेड में काम करते हैं. जब लाइट आती है, ध्यान से समझिए, लाइट एक्टिवेट करती है एक छोटे से प्रोटीन को जिसका नाम है हाइपोकोटाइल 5, HY5, और हाइपोकोटाइल 5 इनहिबिट करता है शेड अवॉइडेंस रेस्पॉन्स को, क्योंकि शेड अवॉइडेंस रेस्पॉन्स है वो शेड में आना चाहिए, अंधेरे में या कम लाइट में आना चाहिए, और लाइट है तो शेड वाला रेस्पॉन्स नहीं आना चाहिए. सो ये हो गया हमारे पास में शेड अवॉइडेंस रेस्पॉन्स. अब इसके बाद हम बात करें कि प्लांट की लाइफ के बाद एनिमल्स की लाइफ पे लाइट का क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स. एनिमल्स की लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट है. नंबर वन, वो सारे के सारे एनिमल्स जो देख पाते हैं, आंखों से जो देख पाते हैं, उनके अंदर लाइट की वजह से ही विजन है. अब आपके सामने अगर अंधेरा कर दे एकदम से, आप क्या देख पाओगे, कुछ भी नहीं. आप क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि लाइट अवेलेबल है. तो लाइट एनिमल्स के अंदर विजन को कंट्रोल करती है, लाइट कंट्रोल्स विजन. नंबर टू, लाइट कंट्रोल करती है गोनेड एक्टिविटी को. लाइट कंट्रोल करती है मेटाबॉलिज्म को. देखिए लाइट के ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो प्लांट्स के ऊपर इजी समझ में आते हैं. यहां पर भी इफेक्ट है बट थोड़ा सा कम समझ में आएगा. डेवलपमेंट को, कई एनिमल्स के अंदर लाइट डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करती है. जैसे मैं आपको ये बताऊं कि सैल्मोन लार्वा है, समझिए सैल्मोन फिश का लार्वा है, अगर ये लार्वा डार्क में ग्रो करेगा तो लार्ज साइज का बन जाएगा. अगर ये डार्क में ग्रो करे तो इट विल बिकम लार्ज साइज्ड, और अगर ये लाइट में ग्रो करेगा तो नॉर्मल साइज का होगा.
फिर इसके बाद में लाइट है वो पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करती है, लाइट ऑल्सो कंट्रोल्स पिगमेंटेशन एनिमल्स के अंदर। उसके बाद में छोटे एनिमल्स के अंदर मूवमेंट, मूवमेंट को भी कंट्रोल करती है। प्लांट्स वाले में भी लिख लीजिएगा कि एक फिनोमिनन होता है जिसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, बेंडिंग टुवार्ड्स द लाइट, फोटोट्रोपिज्म, वो कंट्रोल करती है लाइट प्लांट्स के अंदर। यहां एक प्रकार की मूवमेंट है जिसे कहते हैं फोटोटैक्सिस, फोटोटैक्सिस, ये मूवमेंट होती है। और वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल इज टू रेगुलेट देयर बायोलॉजिकल क्लॉक। जी हां, ये तो भूल ही नहीं सकते, लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यू फॉर बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को भी सेट करने का काम क्या करती है, लाइट करती है। ये सारे इफेक्ट हैं लाइट के एनिमल्स के ऊपर। देखिए, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, आपको कोई CSIR में ये नहीं पूछेगा कि लाइट का एनिमल पे क्या इफेक्ट है, लेकिन ये चीज़ें जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको थोड़ा इकोलॉजी से डर लगेगा, इकोलॉजी समझ में नहीं आएगी। तो इतना आप करिए लाइट के इफेक्ट्स के बारे में ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम एक बार वापस से प्लांट्स के ऊपर आते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और आपको एक टेबल बनानी है, बहुत अच्छे से एक टेबल बनानी पड़ेगी, डिटेल्ड। और हम क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करेंगे किस चीज का, करेक्टर्स ऑफ शेड एंड सन एक्लिमेटेड लीव्स, शेड एंड सन एक्लिमेटेड लीव्स का मैं इसका मीनिंग समझा देता हूं पहले आपको, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो, एक प्लांट ऐसा है जो शेड में ग्रो करता है, यानी कि वो लो लाइट के अंदर ही अडप्ट हुआ है, वो लो लाइट के अंदर ग्रो करता है, उसका ऐसा नेचर है, हमेशा वो लो लाइट में ही ग्रो करता है। दूसरा प्लांट ऐसा है जिसको आदत है ज़्यादा लाइट में ग्रो करने की, मतलब वो ऐसे ही अडप्टेड है कि वो ज़्यादा लाइट के अंदर ही ग्रो कर पाएगा। तो एक प्लांट को हम कहेंगे शेड प्लांट, एक प्लांट को कहेंगे हम सन प्लांट। जो ज्यादा लाइट में ग्रो करेगा वो सन प्लांट हो जाएगा, जो कम लाइट के अंदर ग्रो करेगा वो शेड प्लांट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों के लीव्स के बारे में, क्या क्या करेक्टर्स हैं। आप एक टेबल बनाइए, इस टेबल में हम इस तरफ लिखेंगे करेक्टर्स और फिर हम लिखेंगे सन लीफ। सन लीफ का मतलब सन वाले प्लांट की लीफ, और दूसरी लिखेंगे हम शेड लीफ। चलो बात करते हैं पहले करेक्टर की, दोनों प्लांट्स के बारे में। सबसे पहला करेक्टर आएगा ड्राई मास पर एरिया। सोचो जरा कि अगर हम ड्राई मास की बात करें पर एरिया में, तो सन प्लांट में ज़्यादा होगा या शेड प्लांट्स के अंदर ज़्यादा होगा। अगर हम एक बार बात करें सन प्लांट और शेड प्लांट के लीफ के बारे में, तो जो लीफ सन की लाइट में ज़्यादा ग्रो करेगी उस लीफ की साइज थोड़ी छोटी होगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लाइट ऑलरेडी अवेलेबल हो रही है। तो ज़्यादा लाइट आ रही है तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा लाइट आएगी, ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, पानी ज़्यादा उड़ेगा। तो जो प्लांट्स सन में ग्रो करते हैं उनकी लीफ की साइज़ कंपैरेटिवली छोटी है, और जो प्लांट्स शेड में ग्रो करते हैं उनकी लीफ की साइज़ कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी है। ऐसा करने से अगर आप पर यूनिट एरिया ड्राई मास कैलकुलेट करोगे, तो छोटी लीफ है उसका एरिया छोटा है तो ड्राई मास उसमें ज़्यादा आएगा। तो यहां पर लिखिए हाई और यहां पर लिखिए लो।
एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज की बात करते हैं, दूसरा करेक्टर, लीफ की थिकनेस, लीफ थिकनेस। अगर लीफ की थिकनेस की बात करें तो कौन सी वाली लीफ होगी जो थिक होगी, कौन सी वाली होगी जो थिन होगी? जो लाइट के अंदर ग्रो करेगी, सन लीफ जो होगी, छोटी होगी लेकिन थिक होगी। जो बड़ी होगी वो थिक नहीं होगी। सो इसलिए ये होगी थिक। और एक चीज बता दूं मैं आपको, यहां हम खाली कंपेरेटिव बात कर रहे हैं, ऐसा हम कोई मोटाई नापने के लिए नहीं बैठे हैं। हम एक कंपेरेटिव डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर थिकनेस की बात करें तो थोड़ी सी कंपेरेटिवली थिक होती है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पतली है कागज की तरह, ठीक है। अगला करेक्टर, पैलिसेड पेरेन्काइमा की थिकनेस, पैलिसेड पेरेन्काइमा थिकनेस। अब पैलिसेड टिश्यू होता है, पैलिसेड टिश्यू आपको लीफ की एपिडर्मिस के ठीक नीचे मिलेगा, ऐसे लंबी लंबी सेल्स होती हैं, और कई बार ये सेल्स दो लेयर में भी हो सकती है, मोस्टली एक लेयर में होती है, फिर नीचे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है, मीजोफिल सेल्स है ये। जो प्लांट सन लीफ वाला होगा वो थिक है क्योंकि उसके अंदर पैलिसेड पेरेन्काइमा की थिकनेस ज़्यादा है। तो ये करेक्टर में भी आप लिखिए थिक, और इसके करेक्टर में लिखिए थिन। इसमें ऐसी एक लेयर ही होगी और इसके अंदर दो तीन लेयर्स तक हो सकती है। सो ये करेक्टर आ जाएगा सन एंड शेड लीफ के लिए। उसके बाद दूसरा, अगर हम बात करें नेक्स्ट स्पॉन्जी पेरेन्काइमा थिकनेस की, स्पॉन्जी टिश्यू ये नीचे वाला, ये है स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा थिकनेस लिखिए, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा थिकनेस। अगर हम दोनों टाइप की लीफ में स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की थिकनेस चेक करें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, सिमिलर होती है, सिमिलर। तो आप लिख लीजिए सिमिलर, सिमिलर। कुछ चीजें इजीली समझ में आ जाएगी और कुछ चीजों के लिए आपको थोड़ा मैं समझा दूंगा। देन नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ स्टोमेटा, आगे आप लिख लीजिए डेंसिटी ऑफ स्टोमेटा। डेंसिटी ऑफ स्टोमेटा, अब सोचो जरा कि सन लीफ जो छोटी साइज की है और शेड लीफ जो लार्ज साइज की है, इनके अंदर स्टोमेटा की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डेंसिटी का मतलब होता है नंबर डिवाइडेड बाय एरिया। छोटा एरिया है तो डेंसिटी हाई निकल के आती है, और बड़ा एरिया है तो डेंसिटी लो निकल के आती है, और ज्यादा कुछ है नहीं। फिर नेक्स्ट करेक्टर है क्लोरोप्लास्ट पर एरिया, क्लोरो प्लास्ट पर एरिया। अभी अभी आपने एक करेक्टर लिखा है पैलिसेड वाला, पैलिसेड थिकनेस ज्यादा होती है, तो पैलिसेड में बहुत क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट पर एरिया यहां आएंगे मैनी, यहां आएंगे फ्यू, मैनी एंड फ्यू। देन उसके बाद थाइलेकोइड डेंसिटी की बात करेंगे, थाइलेकोइड डेंसिटी इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर थाइलेकोइड की डेंसिटी क्या रहेगी? जो लाइट ज़्यादा, जो लीफ ज़्यादा लाइट में ग्रो कर रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, थाइलेकोइड्स ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसी स्ट्रक्चर्स जब बहुत सारी होती है तो उनको ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम है, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है उसे एप्रेस्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 2 होता है, फोटोसिस्टम 2 के नीचे वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स। देखो ये प्लांट्स ऑलरेडी ज़्यादा लाइट में ग्रो कर रहे हैं, अगर इनके पास में थाइलेकोइड ज़्यादा होगा तो एप्रेस्ड मेम्ब्रेन ज़्यादा होगी,
एप्रेस्ड मेम्ब्रेन ज्यादा होगी तो फोटोसिस्टम टू ज्यादा होगा, फोटोसिस्टम टू ज्यादा होगा तो वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा, सन के अंदर ये ग्रो कर रहे हैं तो ज्यादा फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, और ज्यादा फोटोलिसिस ऑफ वाटर अगर होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी, ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी तो रूबिस को जो है वो फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा करेगा, प्लांट को नुकसान हो जाएगा। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, थाइलेकोइड की डेंसिटी को लो रखते हैं, ये प्लांट्स थाइलेकोइड की डेंसिटी को हाई रखते हैं, क्योंकि थाइलेकोइड ज्यादा होंगे तो अब सरफेस एरिया ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस बेहतर हो पाएगी, क्योंकि लाइट कम अवेलेबल है तो किसी तरीके से तो कंपनसेट करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगले करेक्टर के बारे में आते हैं। आगे है थाइलेकोइड पर ग्रेनम, ये तो बात अभी अभी बताई भाई, थाइलेकोइड पर ग्रेनम यहां कम होंगे यहां ज्यादा होंगे, ये करेक्टर सिंपल है। उसके बाद में बात करते हैं सिंपली क्लोरोफिल पर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पर क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद बात करेंगे क्लोरोफिल पर एरिया, फिर बात करेंगे क्लोरोफिल पर ड्राई मास। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर पर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की बात करें तो ये ज्यादा सन में ग्रो करते हैं, ज्यादा क्लोरोफिल होगा तो ज्यादा ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा, इसलिए ये रखते हैं कम, ये रखते हैं ज्यादा क्लोरोफिल पर क्लोरोप्लास्ट। मैं पर क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा हूं। अगर आप पर एरिया की बात करें तो दोनों में सिमिलर सिमिलर टाइप का होता है, सिमिलर सिमिलर याद रखना है। और अगर ड्राई मास के हिसाब से बात करें, पर ड्राई मास, तो ये इनके पास में लो है तो सनलाइट लीफ के पास लो होगा, इनके पास में हाई है, इनके पास में हाई होगा। अगर हम क्लोरोफिल ए टू क्लोरोफिल बी रेशियो की बात करें, क्लोरोफिल ए टू क्लोरोफिल बी, देखो इनके पास में टोटल क्लोरोफिल लो है, ठीक है ना, सन लीफ के पास में टोटल क्लोरोफिल लो है। अगर क्लोरोफिल टोटल ही लो है उसमें भी ए कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रखी है तो आपको पक्का पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो फोटोसिस्टम्स होते हैं वो मेनली क्लोरोफिल ए होते हैं, इसलिए इनको ये रेशियो हाई रखना पड़ेगा और ये लो रखना पड़ेगा। वापस समझा देता हूँ एक मिनट में। जो सन वाले प्लांट हैं उनके पास क्लोरोफिल पर क्लोरोप्लास्ट कम है, यानी क्लोरोफिल बहुत कम है। अगर ये भी क्लोरोफिल ए कम होगा तो इनसे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो फोटोसिस्टम्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो बेटर है कि क्लोरोफिल ए ज्यादा होना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है पर एरिया, लाइट को हार्वेस्ट करने वाला कॉम्प्लेक्स पर एरिया वो कितना होगा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर एरिया, देखिए ये प्लांट्स ऑलरेडी सन में ग्रो कर रहे हैं तो इनको बहुत ज्यादा लाइट की टेंशन है ही नहीं, तो इनके अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर एरिया कम होंगे। शेड वाले प्लांट्स हैं, बेचारों को लाइट नहीं मिल रही है तो इनको हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ज्यादा रखने पड़ेंगे ताकि इनको लाइट अवेलेबल हो सके, तो ये हो जाएगा मैनी। देन इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट्स पर एरिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट पर एरिया सन लीफ के अंदर हाई होगा, क्योंकि लाइट जब हाई होगी मतलब ज्यादा इनको लाइट मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी रिलीज होंगे ना,
और इनके अंदर लो होगा। देन अब कुछ और चीजें आ रही हैं जिनके आंसर सेम निकलेंगे, इसलिए मैं वो सारी चीजें एक साथ बता देता हूं। फर्स्ट है ATPAs पर एरिया, दूसरा है रूबिस्को पर एरिया। देखो बहुत इजी है। उसके बाद में है नाइट्रोजन पर एरिया, उसके बाद में है जेंथोफिल पर एरिया। सोचो जरा, जेंथोफिल पर एरिया। ध्यान रखना, जो प्लांट्स ऑलरेडी ज़्यादा लाइट में ग्रो कर रहे हैं उन प्लांट्स की लीफ की साइज थोड़ी छोटी है। ये आपको क्या पूछ रहा है? पर एरिया, पर एरिया, पर एरिया, पर एरिया। इसका मतलब ये डेंसिटी हो गई ना, और डेंसिटी हमने सिंपल सी पढ़ी थी कि नंबर डिवाइडेड बाय एरिया होती है। एरिया इनका छोटा है तो डेंसिटी इन सब की हो जाएगी हाई 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 एंड हाई। सन लीफ के अंदर वहां एरिया बड़ा है तो डेंसिटी कम निकल के आएगी। पर एरिया ही तो दे रखा है तो आपको बहुत आसानी से ये चीज समझनी है। चलिए अगले करेक्टर्स के ऊपर आते हैं। गैस एक्सचेंज की बात करें, अगर ये सारे के सारे देखिए नोटबुक में लिख लेना, इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे, इनको लाइटली मत लेना, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है ये। गैस एक्सचेंज की बात करें तो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पर एरिया, वही बात कि जब इनमें क्लोरोफिल पर एरिया ज़्यादा है, रूबिस्को ज़्यादा है, तो फिर फोटो सिंथेटिक कैपेसिटी पर एरिया, ये पूछ लिया आपसे, ये हो जाएगा हाई, इनमें आएगा लो। देन उसके बाद डार्क रेस्पिरेशन, डार्क रेस्पिरेशन, लाइट की एब्सेंस में रेस्पिरेशन की बात करें तो डार्क रेस्पिरेशन इनमें भी हाई होगी, इनमें लो होगी। उसके बाद में फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पर एरिया हो गया, और क्वांटम यील्ड की बात करें, क्वांटम यील्ड, देखो क्वांटम यील्ड का मतलब होता है कि एक फोटोन से कितने ऑक्सीजन निकलते हैं, या एक फोटोन का कितना जो है वो कंट्रीब्यूशन है। तो ये चीज़ें फॉर्मूला बेस्ड टाइप की हैं, ये सिमिलर निकल के आती हैं, सिमिलर सिमिलर। क्वांटम यील्ड, 8 फोटोन चाहिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकालने के लिए, तो क्वांटम यील्ड 1/8 होती है, वो 1/8 किसी भी प्लांट के अंदर सेम रहेगी। लास्ट बट नेवर एवर द लीस्ट, लाइट रेस्पॉन्स कर्व, लाइट को रेस्पॉन्स देने वाला कर्व कैसा होगा? जो सन प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा सन में ग्रो करने की आदत है तो इनको तो ज़्यादा लाइट चाहिए, तो इनमें जितना लाइट मिलेगा उतना रेस्पॉन्स आएगा, फिर रेस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। जबकि जो शेड वाले प्लांट्स हैं उनको कम लाइट में रहने की आदत है, इसलिए इनमें लाइट का रेस्पॉन्स कम होगा। ये दोनों ग्राफ देखो, समझ लेना, दोनों के दोनों ग्राफ इस तरीके से हैं लाइट के रेस्पॉन्स के। तो आप लोगों को क्या करना है, इतना कम से कम यहाँ से देख लेना है। सो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। आज हमने एबायोटिक फैक्टर्स में लाइट का इफेक्ट पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टेम्परेचर, रेनफॉल, इडेफिक फैक्टर्स वगैरह, टॉपोग्राफिक फैक्टर्स, वो सब पढ़ेंगे। अब बस आप लोग पढ़ते जाइए, चैनल को शेयर करिए सबके साथ में,
ताकि सब लोगों तक पहुंचे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत जल्दी।